जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नोएडा जॉब्स इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ, अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई हुई है ओप्पो मोबाइल कंपनी में दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ये कहाँ पर ये भर्ती होनी है जो कि ओप्पो मोबाइल में निकाली गई है। तो हम बात करते हैं ये ग्रेटर नोएडा में ये भर्ती कराई जा रही है जो कि 2 सितंबर 2020 को इसका इंटरव्यू होना है। अर्जेंट रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। अब हम इसमें डिपार्टमेंट की बात करेंगे दोस्तों। तो डिपार्टमेंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात कर लें तो इसमें प्रोडक्शन सुपरवाइजर इंजीनियर के लिए भर्ती निकाली गई जो कि सब लीडर के लिए ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। तो इस पर हम बात करते हैं इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई ये सारी बातें बात करते हैं इसमें। तो इसमें डिप्लोमा एंड बीटेक वाले जो भी हमारे भाई हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो 2.5 साल तक का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और इसमें जो नॉलेज की बात करें तो रिलेवेंट फील्ड से आप होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें CTC सैलरी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो CTC सैलरी आपकी होगी इसमें 18,000 से लेकर 22,000 रुपये दोस्तों। एक बात ज़रा ध्यान देना कि कुछ लोगों का हमारे पास व्हाट्सअप पर मैसेज आता है कि आप एड्रेस नहीं बताते हैं, एड्रेस पूछते हैं वो लोग। तो एड्रेस दोस्तों हम वीडियो में बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, स्किप करके देखते हैं, इसलिए आपको एड्रेस समझ में नहीं आता कहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों एड्रेस पूरा बताया जाता है वीडियो में, आप वीडियो को पूरा देखकर स्किप ना किया करें जिससे कि आपको पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों अगर अगले बात करते हैं डिपार्टमेंट की, तो ये क्वालिटी इंजीनियर के लिए निकाली गई है जो कि क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है आप लोगों से बीटेक एंड डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। आपके पास अगर बीटेक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक का आपकी एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें सैलरी की दोस्तों बात कर लें, सैलरी आपकी इसमें मांगी है 18,000 से लेकर 20,000 तक इसमें आप लोगों की सैलरी मांगी गई है, यानी कि आप लोगों को इसमें 18,000 से लेकर 22,000। दोस्तों इसमें अगले डिपार्टमेंट की बात करें तो ये रिपेयरिंग PCB टेक्नीशियन के लिए निकाली गई जो कि ITI इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा और बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस जो मांगा गया है इसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और L1, L2, L4 की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और CTC सैलरी की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें 16,000 से लेकर 18,000 रुपये आप लोगों को इसमें सैलरी दी जाएगी। डिपार्टमेंट नंबर अगर हम अगले की बात करें तो इसमें SMT माउंटिंग के लिए भर्ती निकाली गई है जो कि क्वालिफिकेशन में मांगी गई है। डिप्लोमा बीटेक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की दोस्तों इसमें बात कर लें हम तो 1 साल से लेकर 5 साल तक का आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस उसमें आपको लगा सकते हैं। तो इसमें एक ये जो है इसमें सबसे जो आप लोगों की इंग्लिश में कमांड अच्छी होनी चाहिए, ये सारी बातें इसमें दे रखी हैं नोट करके। आप लोग जो इंटरव्यू होगा आपका इंग्लिश में होगा तो आप इंग्लिश में थोड़े से अच्छे होने चाहिए जैसे कि आपका इंटरव्यू हो तो आप आसानी से दे सकें। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं ओवर टाइम की, तो आपको इसमें डबल ओवर टाइम दिया जाएगा। और अटेंडेंस अवार्ड की बात कर लें तो इसमें 2,000 रुपये आपको अटेंडेंस अवार्ड दिया जाएगा, डबल ओवर टाइम दिया जाएगा। बस की सेवा आप लोगों को फ्री दी जाएगी इसमें, कैंटीन की सेवा आपको फ्री दी जाएगी इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट अलाउंस की, तो दोस्तों इसमें 50 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको नाइट अलाउंस दिया जाएगा। और अगली बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि दोस्तों आपको कोई भी फर्जी दस्तावेज लेकर नहीं जाना है, अगर आप कोई फर्जी दस्तावेज लेकर जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो ये इन्फॉर्मेशन नोएडा जॉब्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारी लाते रहें। तो इसमें सेकंड नंबर की अगर हम बात करें तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो इंटरप्राइजेस जो भी इंटरप्राइजेस दे रखा है ये आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लेता है भर्ती के नाम पर। अगर कोई भी आपसे एक भी पैसा मांगता है भर्ती के नाम पर तो आप लोग दिए गए नंबर पर सूचित कर सकते हैं और आप एक बड़े झांसे से बच सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप लोगों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य होगा और आप लोगों को सैनिटाइजर साथ लेकर आना होगा। COVID-19 को लेकर गवर्नमेंट जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सभी को आपको भलीभांति पालन करना होगा। और यहाँ पे कुछ मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है उसको आप लोग फॉलो करें। आप लोग अगर 150 किलोमीटर के दायरे में अगर आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग नोएडा से 150 किलोमीटर के बाहर होने चाहिए तभी आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। इंटरव्यू डेट की बात करें दोस्तों इसमें तो आपका इंटरव्यू होगा 2 सितंबर 2020 को आपका इंटरव्यू होगा। ये जो सेंड योर रिज्यूम इन दिस नंबर, इस नंबर पे आप लोगों को रिज्यूम सेंड करना है, ये जो नंबर दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। आपके जरिए इस नंबर पे आप रिज्यूम अपना सेंड कर सकते हैं और आप नोएडा में जो ओप्पो मोबाइल कंपनी है उसमें आप जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्त हैं, दोस्त फ्रेंड जितने भी हैं उन सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। और हाँ दोस्तों एक बात और, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपना जो क्वालिफिकेशन है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप कोई भी हमसे सवाल करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सअप ग्रुप का, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप नंबर उसमें दिया जाएगा। आप लोगों से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।